हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्नैक्स में। तो आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियल मी नार्जो 20। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नार्जो 20 का लोगो है और यहाँ रियल मी का लोगो दिख रहा होगा और यहाँ आप देख सकते हैं नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड भी दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉक्स में आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने जा रहा हूँ ये पेपर वर्क्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको सेफ्टी गाइड्स और क्विक गाइड्स मिल रहा है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और इसके साथ ही अब ये देख सकते हैं आपको एक सीम इजेक्टर टूल मिल रहा है। आप देख सकते हैं सीम इजेक्टर टूल कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं और अब देख रहे हैं स्मार्टफोन कुछ इस तरह का स्मार्टफोन का पैकेजिंग है। चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं। तो ये रहा स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं स्मार्टफोन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेक्टरी डिज़ाइन। तो चलिए स्मार्टफोन के बारे में बाद में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये रहा बॉक्स और जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको एक अडेप्टर मिल रहा है। और अगर अडेप्टर के आउटपुट की बात करें तो यहाँ आपको 10 वाट आउटपुट और 18 वाट आउटपुट मिलता है। बट अगर स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन जो है 18 वाट सपोर्ट करता है। तो चलिए, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक यूएसबी सी टाइप केबल मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यूएसबी सी टाइप आपको मिल जा रहा है। तो चलिए अब इसे भी साइड में रखते हैं और बॉक्स को साइड करते हैं और देखते हैं स्मार्टफोन की ओर। देख सकते हैं ये है फ़ोन, और अगर फ़ोन में डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस डिज़ाइन को विक्ट्री डिज़ाइन बोलते हैं। और बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नार्जो डिज़ाइन बाय रियल मी आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही अगर बैक की बात करें तो आप यहाँ आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिल रहा है। और फिंगरप्रिंट के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा है प्राइमरी कैमरा, और इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, और इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिल रहा है। उसके साथ ही यहाँ फ्लैश लाइट आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही अब अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ नॉच कैमरा दिख रहा होगा। आप ठीक देख सकते हैं यहाँ नॉच कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.52 इंचेस का मिल रहा है, जिसमें कि HD प्लस डिस्प्ले है। ये थोड़ा सा होना चाहिए, आई थिंक सो फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए, बट चलिए कोई बात नहीं। खैर चलिए बॉटम की बात करते हैं। आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल रहा है, स्पीकर ग्रिल के साथ ही आपको USB C टाइप पोर्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है 18 वाट चार्जर सपोर्ट करता है। और ये आपको माइक्रोफोन दिख रहा होगा और यहाँ माइक्रोफोन जैक है। और चलिए इसके साथ ही अब अपर साइड की बात करते हैं। तो अपर साइड में ऐसा कुछ है नहीं। अब अगर राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे एक पावर बटन दिख रहा होगा, इसके साथ यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर दिख रहा होगा। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम कार्ड के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट देखते हैं डेडिकेटेड स्लॉट है या नहीं। तो जस्ट मैंने ओपन किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम और मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है। तो चलिए बहुत ही अच्छा बात है, आप एक साथ 2 सिम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें। कि वेट की बात करें तो आपको 209 ग्राम का इसका वेट मिल जा रहा है। और अगर साथ ही अगर पकड़ने की बात करें तो अगर कैरी करके अगर आप इसे रखेंगे तो आप ये स्लिप नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कुछ विक्ट्री डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको ग्रिप दे रहा है, ये फ़ोन स्लिप नहीं करेगा। और आप हाथ में देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा और बहुत हैंडी भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही अगर इसके बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 6000 mAh का बैटरी मिल जा रहा है जो कि बहुत ही मैसिव बैटरी है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें G85 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। और इसके साथ ही अगर इसके वेरियंट की बात करें तो मैंने 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल मंगवाया है जो कि मुझे 11,499 परा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसके कलर की तो ये है ग्लोरी सिल्वर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो चलिए जल्दी से डिवाइस को बूट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं सिस्टम जो है बूट हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसके अबाउट सेक्शन में देखते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ अबाउट सेक्शन आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस नेम आपको दिख रहा होगा, रियल मी नार्जो 20 दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो ये एंड्रॉयड 10 पे वर्क करता है और
और इसके साथ ही अगर प्रोसेसर की बात करें, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम की बात करें तो मैंने 4GB रैम मंगवाया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और इंटरनल स्टोरेज है 128GB है। तो चलिए इसके साथ ही अब इसके जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, इसका जो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख रहा है आप देख सकते हैं, और रियलमी के और भी जो फ़ोन्स हैं उसका भी इंटरफेस कुछ इसी से रिलेटेड है। तो चलिए अगर इसके कैमरे सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटोज़ का ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ ही यहाँ आपको वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे नाइट का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो अब इधर देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है, और जो 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है उसके लिए स्पेशल आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है, और अगर मोर में जाके देखते हैं तो यहाँ आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जा रहा है, उसके साथ ही अल्ट्रा मैक्रो, स्लोमो, एक्सपर्ट, पैनो, ये सब आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो मैंने आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने प्राइमरी कैमरा से लिया हुआ है, और ये देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का है, और अगर इस फ़ोटोज़ की बात करें तो ये देख सकते हैं सेल्फीज़ मैंने कुछ लिए हैं, और ये कुछ पोर्ट्रेट मोड है, और मैंने अल्ट्रा मैक्रो पे भी मैंने लिया है आप देख सकते हैं। और चलिए अब इसमें जो लॉक है फिंगरप्रिंट लॉक को टेस्ट करते हैं कितना स्पीड वर्क करता है, तो चलिए जल्दी से इसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं ऐड फिंगरप्रिंट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या मिलता है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यू कर दे रहे, कंटिन्यू करने के साथ मैं यहाँ पे पैटर्न लगा दे रहा हूँ। तो चलिए अब फिंगरप्रिंट जो है बैक में दिया हुआ है, जस्ट आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना फिंगर इनरोल कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा फिंगर इनरोल हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसे चेक करते कितना स्पीड ये वर्क करता है। जस्ट आप देख सकते हैं मैंने टैप किया और अनलॉक, चलिए एक बार और देख लीजिए, जस्ट मैंने टैप किया और अनलॉक, तो देख सकते हैं कितना स्पीड ये वर्क करता है। चलिए इसके साथ ही अब मैं अपने फेस को इनरोल कर ले रहा हूँ और देखता हूँ फेस अनलॉक कितना स्पीड इसका वर्क करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है, तो मैं अपना फेस को इनरोल कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक नहीं हुआ है आप देख सकते हैं। तो जस्ट मैंने अपने फेस के पास लाया और आप देख सकते हैं यहाँ अनलॉक हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर से इसे ट्राई करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी अनलॉक नहीं हुआ है, तो जस्ट मैंने अपने फेस की ओर किया आप देख सकते हैं ये अनलॉक हो गया। तो बहुत ही फास्ट वर्क ये भी कर रहा है, और अगर स्पीड की बात करें तो आप इसमें गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। अगर आप फ्री फायर वगैरह खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, चूँकि ये गेमिंग प्रोसेसर है। और मैंने आपके लिए कुछ व्यूज़ रखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फ़ोन बाय ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और अगर कैमरे की बात करें तो मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ तो दिखा ही दिए, और बहुत ही अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, बट फुल एचडी डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, और आप इसमें एक जो केस होता है वो नहीं दिया गया है, आप ये दो चीज़ को मिस करेंगे। बाय कर सकते, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे यूज़ करें और बाय ज़रूर करें।